हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरा चैनल जो है वो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के बारे में होता है। आज का जो टॉपिक है वो है कि आज एक्चुअली में दो टॉपिक्स है। दो टॉपिक्स इसलिए क्योंकि एक टॉपिक तो ये है कि ये जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, ये वीडियो है बैंकॉक का। और बैंकॉक में ये जो वीडियो है वो वहाँ के फिक्स जू का है। फिक्स जू का मतलब हुआ कि जैसे सर्कस, फिक्स सर्कस, जैसे कि कोई सर्कस होती है, वो एक शहर में आती है, अपना सेटअप लगाते हैं, कुछ दिन तक सर्कस दिखाते हैं, फिर उसके बाद दूसरे शहर चले जाते हैं। लेकिन ये बैंकॉक की फिक्स सर्कस है और फिक्स जू भी है। तो जू एंड सर्कस दोनों बहुत एक ही जगह पर है। जो इनके शोज होते हैं दे आर लाइक सर्कस, एंड जो उनके एनिमल्स रखे हुए हैं केजेस में और उनका देखभाल होती है, दैट इज जू। तो फिक्स जू एंड फिक्स सर्कस है, जिसमें एनिमल्स को ऑल अराउंड द ईयर उनके शोज होते हैं। और जितने भी फॉरेनर्स वहाँ थाईलैंड में बैंकॉक, बैंकॉक शहर के अंदर है, तो जो थाईलैंड के दूसरे सिटीज़ के लोग हैं, अगर वो बैंकॉक आते हैं या फॉरेनर्स आते हैं, क्योंकि ये मोस्ट विजिटेड प्लेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड से, सबसे ज़्यादा लोग बैंकॉक घूमने जाते हैं। और बैंकॉक में ये परमानेंट सर्कस एंड जू है। जो भी लोग बैंकॉक जाएं, प्लीज़ इस जगह को ज़रूर विजिट करें। इवन अगर आप बच्चों के साथ नहीं भी जाते हैं, तब भी इसको विजिट करें। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कैसे, अब अभी ये जो शो हो रहा है ये सील्स का शो हो रहा है। ये लोग अलग अलग तरह के एनिमल्स के शोज भी करते हैं, जैसे ये सील शो हो गया, एलिफेंट शो हो गया, डॉग शो हो गया, बर्ड शो हो गया, मंकी शो हो गया, मंकी एंड चिंपैंजीज का शो हो गया, और डॉल्फिन शो हो गया, और भी कई तरह के एनिमल्स हैं जिनके शोज होते हैं। अब मेन बात क्या है, ये दोनों टॉपिक जुड़े हुए हैं। ये टॉपिक ये है कि ये ओपन सर्कस में कैसे एनिमल्स को ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे उनका रख रखाव किया जाता है, कैसे उनको समझाया जाता है कि वो ह्यूमन बीइंग्स की लैंग्वेज को समझने लगते हैं। और ह्यूमन बीइंग्स जो कहते हैं, ह्यूमन बीइंग कह रहे हैं ताली बजाओ तो ताली बजाते हैं, ह्यूमन बीइंग कह रहे हैं कि जाओ ये चीज़, ये बॉल मैंने फेंकी जाके उठा के लाओ, वो बॉल उठा के ला रहे हैं, जो बोला जा रहा है वो कर रहे हैं। और उसके बदले में इनको रिवॉर्ड दिया जाता है। ये परफॉर्म करते हैं उसका इनको रिवॉर्ड मिलता है। परफॉर्मेंस अगर ख़राब भी होती है तो भी इन्हें रिवॉर्ड मिलता है, अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो भी इन्हें रिवॉर्ड मिलता है। तो रिवॉर्ड देना बहुत ज़रूरी है हर एक को। जब भी कोई बच्चा परफॉर्म करे, कैसा भी परफॉर्म करे, उसे रिवॉर्ड देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने जो परफॉर्मेंस दी है, जो परफॉर्म किया है, वो परफॉर्मेंस सिर्फ उसकी ही परफॉर्मेंस है, और कोई और किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया है। तो अगर किसी ने अच्छे से परफॉर्म किया है, या मान लेते हैं अच्छे से नहीं भी परफॉर्म किया है, तब भी परफॉर्म तो किया है, तो उसके लिए उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जैसे इन एनिमल्स को रिवॉर्ड मिलता है। एवरी टाइम दे परफॉर्म दे गेट रिवॉर्ड। अब आती है बात की टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि जब भी छुट्टियाँ होती हैं, मान लेते हैं अभी दशहरा आ गया, दशहरे में 2-3 दिन की छुट्टी हो गई, क्योंकि एक संडे हो गया, एक नवरात्रि की नौमी हो गई और ट्यूसडे को दशमी हो गई, तो 3 दिन की लगातार छुट्टी हो गई। तो क्या बच्चों को घर जाके अपने जो नेटिव प्लेस है, जो जहाँ से वो इतनी दूर से शहर में पढ़ने आते हैं, उनको अपने घर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मैं कहता हूँ नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि जो जाने और आने में जो ट्रैवलिंग टाइम लगता है, एक तो वो पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि जो वो उनका जो माइंड सेट होता है, जैसे पढ़ाई, यहाँ पर है तो पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर है तो फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, दूसरों से पूछ रहे हैं, टीचर से पूछ रहे हैं, और अपने प्रैक्टिकल्स के बारे में कुछ प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, कुछ कुछ डायग्रामेटिक जो पढ़ाई होती है वो कर रहे हैं, प्लस कुछ रीडिंग एंड राइटिंग की पढ़ाई होती है वो कर रहे हैं। एकदम से वो डिस्टर्ब हो जाती है। आप एकदम से, आपको होता है कि चलो पैकिंग करनी है, घर जाना है, आप घर जाएंगे तो कुछ और करेंगे, मतलब आप डिस्टॉर्ट हो जाते हो, अपने जो मेन आपका जो मोटिव होता है उससे आप भटक जाते हो। अब मान लो आप भटक भी गए तो उससे नुकसान क्या है? नुकसान खाली टाइम का है, ये टाइम गया तो वापस नहीं आएगा। जो भी टाइम हम लोगों के पास होता है ये बहुत वैल्यूएबल टाइम होता है।
मेडिकल की पढ़ाई हो, चाहे वो स्टूडेंट्स की पढ़ाई हो, चाहे स्कूल की पढ़ाई हो, चाहे कॉलेज की पढ़ाई हो, ये वैल्यूबल टाइम है। पढ़ाई की किस जो वैल्यू नहीं करता वो उसको उसको लॉस होता है। लॉस कैसे होता है? देखो, ये लॉस फिजिकल लॉस नहीं होते, ये लॉस मेंटल लॉस नहीं होते, ये लॉस साइकोलॉजिकल लॉस नहीं होते। इसमें कुछ ऐसा जाता है जो वापस नहीं आता है। तो ये टाइम बेस्ड लॉस होते हैं कि आपका टाइम निकल गया, जो टाइम आपको प्रोडक्टिव आप कर सकते थे। 1 घंटा भी आप मान लो, 1 घंटा भी कोई अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करता है और वो उस टाइम को फॉरएवर करता है, तो वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि हम अपने टाइम को किसी और जगह पे किल कर दें। तो मेरा ये कहना है कि कभी भी 2 या 3 दिन की छुट्टी हो, 4 दिन की छुट्टी हो, एकदम इंस्टेंट घर जाने की जिद नहीं करनी चाहिए। घर जाने में जो टाइम लगता है और जो जो उसके लिए जो डिस्टॉर्शन होता है टाइम का, उस जो आप एकदम से भटक जाते हो कि पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ाई से भटक गए, प्रैक्टिकल्स कर रहे थे तो प्रैक्टिकल्स तो कर नहीं सकते, ट्रैवलिंग के दौरान भी, घर जाने के बाद भी, और जो आपका डेली रूटीन है उससे आप अलग हो गए, जो आपके फ्रेंड्स हैं वो यहाँ मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स हॉस्टल कॉलेज में रह गए, और बाकी जो लोग चले गए वो जो लोग चले गए उनको तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है और ये जो मेरा लेक्चर है वो उनके लिए है। अब क्या हम इन एनिमल्स से सीखते हैं? इन एनिमल्स दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स, दिस सील इज़ नॉट ह्यूमन बींग, पर ये ह्यूमन बींग की तरह फुटबॉल खेल रही है, ह्यूमन बींग की तरह क्लैपिंग कर रही है, ह्यूमन बींग की तरह बिहेव कर रही है, ह्यूमन इमोशंस एंड ह्यूमन थिंग्स को सुन रही है, समझ रही है, और कितना क्लोज टू ह्यूमन बींग इसने अपने आप को बना लिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज पीपल गिविंग देम मोस्ट ऑफ द टाइम। ये जो इनके ट्रेनर हैं ये इनको मे बी 10 आवर्स अपने दिन के देते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, खाना खिलाते हैं, इनकी केयर करते हैं, तभी ये इतना अच्छा इनके साथ मिल के परफॉर्म कर पा रहे हैं। अब ये जो ट्रेनर हैं इन्होंने जो मेहनत करी वो एक इनको रिवॉर्ड मिल रहा है, इन सील्स की जो ये शोज़ हैं, जब ये शोज सक्सेसफुल होते हैं तो दे गेट रिवॉर्डेड, एंड सील्स गेट रिवॉर्डेड एवरी टाइम दे परफॉर्म। जब भी ये लोग कुछ परफॉर्म करते हैं, जैसे ये सील अपने पंखों पे चल रही है, तो जैसे ये पंख से चल के वापस आएगी तो शी विल गेट रिवॉर्डेड विद सम फूड और समथिंग, सो दैट द सील विल नो कि जब भी मैं कोई काम करूँगी जो इनको अच्छा लगता है तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। इसी तरह डॉल्फिन के शोज होते हैं, डॉल्फिन्स आर वेरी क्लोज टू द ह्यूमन बींग। इसी तरह मंकीज के शोज होते हैं, मंकीज एंड चिंपैंजीज, डॉग्स के शोज होते हैं, हाथी के शोज होते हैं, दे ऑल आर वेरी क्लोज टू ह्यूमन बींग। अब इनके जो इनका जो माइंड है, इनका माइंड इतना हल्का होने के बाद भी ये ह्यूमन बींग से कितने अच्छे से कोलैबोरेट कर पा रहे हैं, ह्यूमन बींग्स की ट्रेनिंग से इन्होंने इतना सीख लिया है कि ये एक ऐसा शो परफॉर्म कर रहे हैं जो वर्ल्ड ने देखा नहीं है। आज तक किसी ने भी सील्स को इस तरीके से परफॉर्म करते नहीं देखा है कि सील फुटबॉल खेल रही है। इवन ह्यूमन बींग्स भी इसको हर एक इंसान नहीं कर पाएगा जो ये सील्स कर पा रही हैं। ह्यूमन बींग्स के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद ही पॉसिबल है जो ये सील्स कर रही हैं। तो ये सील्स में या ये एलिफेंट्स या डॉल्फिन्स या अदर एनिमल्स जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड्स का शो होता है, बर्ड्स के शोज में छोटी बर्ड से लेकर बड़ी बर्ड तक होती है। एक वैरायटी की बर्ड नहीं है कि खाली एक ही वैरायटी की इंटेलिजेंट बर्ड है, बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी की बर्ड्स हैं, छोटी से लेके बड़ी तक, बड़े पंखों वाली, छोटे पंखों वाली, दे ऑल आर टॉट एंड ट्रेंड इन द सेम मैनर इन विच दीज सील्स आर टॉट एंड ट्रेंड। इनकी इनकी जो डाइट है, इनका जो एजुकेशन है, एक तरह से एजुकेशन ही कह लेंगे ना, कि जब इनकी ट्रेनिंग हो रही है इनको दे आर टॉट, इनको सिखाया जा रहा है। तो ऐसे ही बच्चों को अगर हम सही डायरेक्शन में डालेंगे, अगर उनको सही राह दिखाएंगे, अगर उन्हें ये बताएंगे कि आने वाले टाइम में हमारे लिए टाइम की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो शायद वो लोग समझें इस बात को कि एवरी टाइम वी गेट अ हॉलीडे ऑफ 2 और 3 डेज वी हैव टू यूटिलाइज दोज हॉलीडेज की टू डू आवर बेस्ट एंड वी कैन नॉट वेस्ट आवर प्रेशियस टाइम।
अब बात आती है पढ़ाई की, मान लेते हैं मेडिकल की पढ़ाई की बात करें, तो मेडिकल की पढ़ाई बहुत टफ पढ़ाई है। एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, डेंटल मटेरियल्स और डेंटल एनाटमी, ये 5 सब्जेक्ट बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं। ऐसे सब्जेक्ट नहीं है कि एक साल में ख़त्म हो जाए। फिर भी अगर कोई कॉलेज एक साल में इन्हें ख़त्म करना चाहता है तो वो उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ा के ख़त्म कर ही देगा। अगर वो साल भर नहीं पढ़ाता तो 2-3 महीने में जल्दी जल्दी पढ़ा के ख़त्म कर देगा। सारा का सारा बर्डन बच्चों पे आएगा। बच्चों को ये नहीं बताया जाएगा कि आपको हमने पढ़ाया कम था और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व किया था जिससे कि आप बिजी रहो, आपको अच्छा लगे। इन द एंड जब फाइनल एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम से 2 महीने 3 महीने पहले इतना प्रेशर होगा कि बच्चे कई बार कोप नहीं कर पाएंगे, तब तब ज़्यादा मुसीबत आएगी। मैं कहूँगा शुरू से प्रैक्टिस करें, शुरू से ट्रेनिंग करें, शुरू से जो भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करें, शुरू से जो भी उन्होंने गाइड कर रहे हैं उस गाइडेंस को रेगुलर उसकी रीडिंग करें, राइटिंग करें, डायग्राम्स बनाएं और अदर जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो करें, और जितना भी होमवर्क है वो सारा टाइमली कंप्लीट करें जिससे कि इन द एंड उतना प्रेशर ना आए जितना प्रेशर आता है। कॉलेज वालों को बिल्कुल भी मौका नहीं देना किसी भी तरह से आपको प्रेशराइज करने का। तो इसलिए जितना मैक्सिमम आप टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, मान लेते 3 दिन की छुट्टी मिली दशहरे की, अगर 3 दिन की दशहरे की छुट्टी को अच्छे से हम यूटिलाइज करें पढ़ाई करके, अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके, प्रैक्टिकल्स को कंप्लीट करके और अदर जो डायग्रामेटिक जो चीज़ें हैं उनको कंप्लीट करके, कोई होमवर्क करके, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा बजाय कि घर जाके। मान लेते घर भी जा रहे हो, घर जाने के दौरान अगर 5 घंटे 8 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम है, मैं कहूँगा कि अगर 2-3 घंटे अगर जितना भी सोए सोए बाकी टाइम बैठ के पढ़ें, पढ़ने से आप जो ये 2 या 3 घंटे का प्रोडक्टिव टाइम पढ़ने का मिल जाएगा ट्रैवलिंग के अंदर, वो टाइम आपको 2 या 3 घंटे का नहीं, वो 8-10 घंटे का प्रोडक्टिव टाइम होगा। ट्रैवलिंग के दौरान 2 घंटे पढ़ना अपनी घर पे बैठ के 8 घंटे पढ़ने के बराबर होता है, क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम आपकी बॉडी मोशन में होती है, हर चीज़ मोशन में होती है, तो मोशन में पढ़ाई ज़्यादा होती है। अगर घर पहुँचे, घर पहुँच के थोड़ा रेस्ट करने के बाद प्रैक्टिकल्स की तैयारी करें, पढ़ाई ज़रूर करें। अगर पढ़ाई नहीं करी तो ये दिन वेस्ट हो जाएगा, दोबारा वापस नहीं आएगा। मैं इस टॉपिक को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। थैंक यू वेरी मच। ये मेरा जो चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए और इसको इसका बेल आइकॉन जरूर दबाइए और लाइक भी करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। मैं इस तरीके के अमेजिंग वीडियोस और लेके आता रहूँगा। मेरे बैंकॉक के बहुत सारे वीडियोस हैं। थैंक यू वेरी मच।